सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण खत्म होते ही आस्था की डुबकी शुरू हो गई। हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा घाट पर लाखों की तादाद में लोग खुद को पवित्र कर पुण्य कमाने में जुट गए। ये संयोग ही है कि सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण खत्म हुआ और सावन महीने की शुरुआत। हरिद्वार से लेकर काशी तक गंगा घाट भोले के भक्तों से भरे हुए हैं। पापों को नष्ट करने वाली जीवनदायिनी गंगा में डुबकी लगाकर ग्रहण के प्रभाव से छुटकारा पाने की कोशिश हो रही है, या कहें पुण्य कमाया जा रहा है। सबसे पहले वाराणसी की इस तस्वीर को देखिए। जैसे ही सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, देश के कोने कोने से जुटे श्रद्धालुओं का दशाश्वमेघ घाट पर डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। पूजा पाठ के साथ लोगों ने गंगा में फूल प्रवाहित किए, आरती हुई और शंख ध्वनि के साथ ही मंदिरों के घंटा घड़ियाल बजने लगे। उसके बाद भक्तों का हुजूम बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़ा चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद हम लोग गंगा स्नान किए और बाबा भोलेनाथ की नगरी में दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र में हम सूर्य ग्रहण को स्नान करने के लिए महत्व मानते हैं, उसी प्रकार से ये चंद्र ग्रहण हमारे बोले विश्वनाथ की नगरी में, पावन नगरी गंगा में तट कर स्नान करके जो भी भक्त यहाँ स्नान करते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं और अपने मन वांछित फल को प्राप्त करते हैं। गंगा यमुना के संगम पर भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण एक आकाशीय प्रदूषण है जिसमें हानिकारक किरणें निकलती हैं। इसीलिए शास्त्रों में ग्रहण के दौरान खाने पीने की मनाही की गई है और इसके बाद तन मन की शुद्धि को जरूरी बताया गया है। लोग पूरे रात जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जैसे ही उनका मोक्ष होता है वैसे ही आकर के गंगा स्नान करके दान पुण्य करते हैं। ग्रहण के बाद डुबकी लगाने से तन यानी शरीर शुद्ध होता है। शास्त्र और विज्ञान कहता है कि ग्रहण के दौरान खगोलीय क्रिया से हानिकारक किरणें पैदा होती हैं और स्नान से हानिकारक किरणों से शरीर को छुटकारा मिलता है। पूजा पाठ और मंत्र जाप मन शुद्ध होने की मान्यता है, इसीलिए लोग सदी के सबसे बड़े ग्रहण के बाद संगम पर आस्था की डुबकी लगाकर ज्यादा से ज्यादा पुण्य अपने खाते में करने में जुटे हैं। हम प्रयागराज संगम में हैं और इस संगम का एक विहंगम दृश्य है जब तीन संयोग एक साथ हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद जो चंद्र ग्रहण लगा और आज सुबह से सावन महीने की शुरुआत। संगम के तट पर यह अद्भुत नज़ारा इस वक्त दिखाई दे रहा है जब हजारों की तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। कोई स्नान कर रहा है, कोई पूजा पाठ में तल्लीन है, तो संगम के किनारे अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करते इस समय दिखाई दे रहे हैं। पूजा पाठ का दौर एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ लोग संगम में स्नान कर शुद्ध खुद को पवित्र कर रहे हैं। तो ये एक दृश्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो संगम है जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन है, वो जो जिसे जो संगम है उसे कहा जाता है। साथ साथ दूसरी तरफ लोग इस वक्त इस संगम में स्नान कर खुद को कह सकते हैं कि पवित्र कर रहे हैं। आज इस सावन महीने के पहले दिन बीती रात लोगों ने चंद्र ग्रहण देखा, चंद्र ग्रहण इस सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण देखा और हमने भी संगम के तट पर लोगों को तरह तरह की साधनाएं करते, तरह तरह की साधनाओं में लीन देखा। सिर्फ गंगा ही नहीं, देश की दूसरी नदियों और कुंडों के किनारे भी श्रद्धालुओं का सैलाब ग्रहण खत्म होने के बाद ही आस्था की डुबकी लगाकर अधिक से अधिक पुण्य अपने नाम करने में लगा हुआ है। इलाहाबाद से अभिषेक पांडे के साथ संजय शर्मा।